अस्सलाम वालेकुम पीजी का टैलेंट गॉड विल ऑफ जाने से तमाम व्यूअर्स को व्यूअर्स उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे और आपकी दुआओं से हम भी खैर से होंगे। व्यूअर्स जैसे दो दिन पहले कराची में बारिश हुई थी और थोड़ी बारिश होने से मौसम काफ़ी गर्म हो गया, तो आप भी अपने जानवरों का ख्याल रखें, अपने शौक का ख्याल रखें और दुआ करेंगे अल्लाह पाक खैर आफियत वाली रहमत वाली बरसात बरसाए। तो बस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नए शौकीन का वाला, जैसे ईद के बाद कुछ शौकीन भाई होते हैं जो सोचते हैं कि यार चलो हम भी अपना जानवर बकरा वगैरह लेके खुद पाल के कुर्बान करेंगे, तो इंशाल्लाह इसके बारे में कुछ मालूम है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए भाई उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको बता दें कि कैसे आप जो नए शौकीन भाई हैं जो खुद अपना जानवर पाल के कुर्बान करना चाहते हैं किस किस चीज़ों का ख्याल, वीडियो शुरू करते हैं। और जो भाई जैसे बकरीद गुजरने के बाद कुछ शौकीन भाई होते हैं वो सोचते हैं कि चलो हम भी यार अपने जानवर खुद पाल के कुर्बान करें, तो हम आपको बताएंगे किस उम्र का जानवर लेना, कौन सी ब्रीड लेनी है, कितने एज का जानवर लेना, तो ये कुछ मालूम है इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स सबसे पहले जो नए शौकीन भाई है उनको चाहिए कि वो जो है बड़ी ब्रीड पर हाथ नहीं डालें, छोटी ब्रीड पर काम करें, मतलब जैसे टेडी टापरा बिसर टापरा ये ब्रीड पर काम करें। अभी गुलाबी कपला और राजनपुरी बेतल नागरा ये जो ब्रीड है ये थोड़ी कॉस्टली होती है और ये कुछ नए शौकीनों के लिए परेशानी इसमें हो जाती है। तो नए शौकीन भाई जो हैं वो टेडी टापरा बिसर टापरे पे अपना शौक करें और इंशाल्लाह शौक में भी मज़ा आएगा उनको। जो पुराने शौकीन हैं काम करने वाले वो तो कोई भी नस्ल पाल लें तो उनको अपना तजर्बा होता है, उससे अपने तजर्बे से पाल लेंगे, लेकिन नए शौकीन भाई जो है बिसर टापरा टापरा और टेडी के ऊपर अपना फोकस रखें। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो भी भाई शौक कर रहे हैं यानी कुर्बानी का जानवर अपना लेके वो करना चाहते हैं क्या नाम है अपना पालना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो दो दांत का बकरा लें, क्योंकि दो दांत का बकरा जो है वो उस पर रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। और बिसर टापरा हो या टेडी हो तो इसके ऊपर नए शौकीन ट्राई करें, क्योंकि पुराने शौकीन जो होते हैं पुराने काम करने वाले उनको हर चीज़ का अंदाज़ा होता है और नए शौकीन जो होते हैं उनके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी अगर कोई बड़ी ब्रीड हैवी ब्रीड पर काम कर लेंगे। तो सबसे बेहतरीन और यही है कि आपके अपने इलाके के जो ब्रीड हो, जैसे हम कराची में हैं तो कराची में गुलाबी का भी शौक करते हैं लोग और पटेरी का भी करते हैं और टेडी टापरों का भी करते हैं, तो जो काम करने वाले वो तो गुलाबी पटेरी और राजनपुरी भी पाल लेते हैं, लेकिन जो नए शौकीन भाई हैं उनको चाहिए कि वो टेडी टापरा बिसर टापरा इसके ऊपर काम करें। तो ये कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे जैसे हम दिखा रहे हैं टेडी की टापरे की बिसर टापरे की, तो पटेरी गुलाबी और नागरा बेतल ये थोड़ी हैवी ब्रीड है और ख़ासतौर पे जो हमारे सिंध की बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत ब्रीड है वो है गुलाबी, उसकी तो कोई बात ही नहीं है माशाल्लाह, उसका कोई जवाब नहीं, लेकिन वो बहुत नाजुक ब्रीड है गुलाबी। तो नए शौकीनों से ये गुजारिश है कि वो टेडी टापरा बिसर टापरा इसके ऊपर शौक करें, अपना स्टार्ट करें, इंशाल्लाह उनको मज़ा आएगा शौक करने में भी, क्योंकि ये ब्रीड ऐसी है ये थोड़ी सस्ती भी है, ये कम चारे पे और अच्छे सस्ते में पड़ जाती है। बाकी गुलाबी वगैरह जो होती है ये थोड़ी नाजुक ब्रीड होती है क्योंकि इनकी देखभाल बहुत करनी पड़ती है। अच्छा टेडी टापरी ऐसी होती है ये इनको आप कुछ भी खिला दो यानी कि घर का बचाव भी आप कुछ खिलाएंगे वो भी खा लेगी, फ्रूट के छिलके वगैरह ये वो, और दाने में भी इसकी खुराक भी कम होती है और सबसे बड़ी बात है कि इनके अंदर बीमारी का रेशो वो कम है। लेकिन गुलाबी ब्रीड जो है वो बहुत नाजुक ब्रीड है, उसके ऊपर नए शौकीन भाई हाथ नहीं डालें, क्योंकि पुराने शौकीन जो काम करने वाले हैं वो तो खैर पाल लेते हैं। हम भी तकरीबन 5 साल से शौक कर रहे हैं लेकिन हम भी गुलाबी के ऊपर हाथ नहीं डालते हैं, हम भी टापरा बिसर टापरा और टेडी इसके ऊपर ही शौक करते हैं हमारा। तो नए शौकीन भाई से ये गुजारिश है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो कुर्बानी के लिए बकरा लेना है तो वो दो दांत का लेना, दो दांत और कम से कम 10 महीने का, भाई 2-3 महीने का बच्चा लेके नहीं पाले क्योंकि उस पर रिजल्ट नहीं आता। अच्छा अब ये सोचते हैं कि भाई के दो दांत का अभी लेंगे तो ईद तक वो 6 दांत 8 दांत हो जाएगा, तो कोई मसला नहीं है, घर का पला हुआ होता जानवर इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 8 दांत का बकरा भी बुढ़ा नहीं होता। तो 2 दांत का जो होता है ये पूरा समझ लो अपनी जवानी के पुरुष पे होता है और 8 दांत 6 दांत का जो बकरा होता है ये बुढ़ा नहीं होता, यंग होता है बिल्कुल जवान होता है। तो ये लोगों की सोच जो है यार 8 दांत का बकरा बुढ़ा है 6 दांत का बकरा बुढ़ा है, तो ये सोच गलत है। आप जो है शौक करें तो 2 दांत के बकरे से स्टार्ट करो, आप देखिएगा इंशाल्लाह जो 2 दांत का बकरा आप लेके अभी से पालेंगे ना उसको 1 साल तो उसके कंडीशन और उसकी लेंथ वगैरह उसके बहुत ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा।
और एक चीज़ का भी ख्याल करना है, ये वैक्सिंग वगैरह होती है इनकी हर 3 महीने में, तो मौसम के साथ वैक्सिंग भी करवानी है इंशाल्लाह। उसका भी आपको कोई वीडियो में बताएंगे आपको वैक्सिंग का शेड्यूल के हिसाब से। और टेडी टापर आप पालेंगे तो आपको ये कि शौक में मज़ा आएगा और बहुत सस्ती ब्रीड है और ये इलाका वाइज बहुत ज़बरदस्त फल जाती है और बगैर नखरे से कम खर्चे में पलती है। तो नए शौकीन भाई से यही गुजारिश है वो टापरा पालें, जिससे टापरा पालें, टेडी पालें, इंशाल्लाह 2 दांत का बच्चा लें या 10 महीने का लें। और अगर आंडू बकरा है तो उसको खस्सी करवाना, अभी टाइम नहीं है खस्सी कराने का, जब सर्दी आती भी हो अगस्त के महीने के एंड में इनको खस्सी करवाएं। अगर होगा हमारे पास भी एक बकरा है इंशाल्लाह उसकी भी आपको कंडीशन दिखाएंगे और इंशाल्लाह अगले साल के लिए उसको तैयार करेंगे हम। 2 दांत का बच्चा है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसकी प्रॉपर आपको वीडियो भी दिखाएंगे, वक्त से हफ्ते 10 दिन के हिसाब से अपडेट देंगे, जैसे हमारे पास दुमबे की हमने बताया था उसकी भी इंशाल्लाह एक दो दिन में हम वीडियो अपलोड करेंगे कि अभी उसकी क्या कंडीशन है। तो ये कुछ विवर्त मालूम थी नए शौकीन भाई, जैसे बकरा ईद के बाद बहुत से शौकीनों को शौक होता है कि यार हम भी अपने जानवर पाल के कुर्बान करें, तो ये नए शौकीनों के लिए है कि भाई इस चीज़ का ख्याल करें, कोई हैवी ब्रीड पर हाथ नहीं डालें फिलहाल, और हैवी ब्रीड पर हाथ डालेंगे तो नुकसान भी हो जाता है, नुकसान जब होता है तो फिर आदमी का शौक ख़राब होता है। हमारा मसला नहीं, बताने का मकसद ये है कि नुकसान से बचाना है। अभी शौक में लेके तो आ जाएंगे आप हैवी ब्रीड गुलाबी ब्रीड या कोई भी राजनपुरी, फिर वो इतनी आसानी से बनता नहीं है और मौसम भी इतनी जल्दी से एडजस्ट नहीं करता। हाँ ये टेढ़े टापरियाँ बिस्सर टापरे ये जो होते हैं ये हर मौसम को एडजस्ट कर लेते हैं और इनके लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो अभी गर्मी आप देखें कैसी है, बहुत ख़तरनाक गर्मी हो रही है। हम भी तकरीबन शाम के टाइम अपने जानवरों को पानी मारते हैं, तो आप भी अगर जानवर आपने रखे हुए तो ज़रूर ऐसा करें, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है और बारिश होने के बाद तो और ज़्यादा जो है हफ्त हो रहा है, गर्मी हो रही है। विवर्त हमारे जानवर भी आपको दिखाते हैं अभी किस कंडीशन में। ये देखें विवर्त हमारा छोटा सा शौक है, ये देखें माशाल्लाह, देखने वाले से ये गुजारिश है माशाल्लाह ज़रूर बोले जानवर को देखें। ये हमारी बकरी तैयार है बच्चा देने वाली, एक ये तैयार बैठी है हमारी माशाल्लाह। हम भी ज़्यादा हाई फाई शौक नहीं करते, एक नॉर्मल सा छोटा सा शौक करते हैं ताकि नुकसान से बच सकें। तो फिर आपने देखा कि जो कुछ हमारे पास थोड़ी सी मालूम थी हमने आपके साथ शेयर की, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए होगी। पसंद आए तो हमें कमेंट में ज़रूर आ करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह पाक हम सबका हम नासिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।